नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। इस वक्त यूपी में भोला गोकर्णनाथ सीट को लेकर चर्चा शुरू है। भोला गोकर्णनाथ सीट जिस पर 3 तारीख यानी कल उपचुनाव होने हैं, अब उस सीट को लेकर चर्चा शुरू है दोस्तों कि उस सीट पर बाजी कौन मारेगा, अखिलेश यादव जो कि उस सीट से चुनाव प्रचार करने के लिए गए ही नहीं है, या फिर बीजेपी जिसने इस सीट पर सहानुभूति होते हुए भी इस सीट पर जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है पीयूष, बहुत बहुत स्वागत है पीयूष आपका। पीयूष देखिए, भोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव होने हैं, ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है, मुश्किल से 24 घंटे भी बाकी नहीं है और इस सीट पर जो चुनाव प्रचार है वो तो पहले ही थम चुका है, मुश्किल से 24 से भी कम घंटे बाकी हैं इस सीट पर चुनाव होने में। अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग को भी वो घेर रहे हैं, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उनके ऊपर जो आरोप लगा उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं भोला गोकर्णनाथ और मैनपुरी सीट और नगर निकाय चुनाव के लिए वो करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने जो ताकत झोंकी है वो यहाँ कम नजर आएगी, अखिलेश यादव बाजी मारेंगे, कौन बाजी मारता है? देखिए, अगर बात करूं चुनाव प्रचार की तो चुनाव प्रचार पर देखिए आचार संहिता लग चुकी है, आप कोई भी प्रचार नहीं कर सकता है। और कल सुबह देखिए तकरीबन 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी भोला गोकर्णनाथ सीट पर। देखिए लखीमपुर खीरी के अंदर आती है, लखीमपुर जिला है तो उसके अंदर ही देखिए सीट आती है। अब देखा जाए लखीमपुर की अगर हम थोड़ी सी अगर इतिहास जाने 2 साल का, तो 3 साल में तो काफी कुछ हो चुका है। बीजेपी एंटी बीजेपी ज्यादा चीजें हुई है, क्योंकि देखिए अभी पिछले महीने ही देखिए वहां पे एक लड़की के साथ बहुत ही घिनौनी हरकत भी हुई थी। बीजेपी का ही देखिए राज्य उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था को लेकर काफी सवाल भी उठे थे। उससे पहले किसानों के का प्रकरण जो हुआ था, जो बीजेपी के विधायक थे उन्होंने देखिए किसानों को कुचल दिया था कार से, तो ये जो 2 चीजें हुई थी उसके बाद भी देखिए काफी कुछ हुआ था। तो इसमें बीजेपी की छवि जो लखीमपुर में खराब हुई थी, लेकिन देखिए यहाँ पे बट आ जाता है तो, लेकिन अगर हम बात करें चुनावों की तो लखीमपुर में अगर हम देखें निकाय चुनाव हुए थे, बाई इलेक्शन हुए थे उसमें भी, क्योंकि 3 जो सीट थी वो रिक्त हो गई थी किसी के जाने से, उसमें देखिए उसके बाद में चुनाव हुए बीजेपी क्लीन स्वीप करके गई, सपा देखिए कहीं भी नहीं कर। उसके बाद अब आते हैं आज के चुनाव पर, जो अगर बात करें भोला गोकर्णनाथ की तो बीजेपी के खिलाफ देखिए सपा कई हथकंडे अपना रही है। क्यों? क्योंकि देखिए मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका था, अब सेंटिमेंटल वोट जो है वो आराम से बटोर सकती है सपा, लेकिन यहाँ पे अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरे थे, जैसे कि आजमगढ़ में देखे नहीं उतरे थे, रामपुर में नहीं उतरे थे, दोनों सीटें जा चुकी हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पे भी मुझे लगता है कि भोला गोकर्णनाथ सीट पे अखिलेश यादव के ना उतरने से देखिए थोड़े से नुकसान तो होगा, थोड़ा नुकसान मतलब यानी कि सीट जाना, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाए। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो पहले से ही वो बीजेपी का गढ़ है, अरविंद गिरी जिनके निधन हो चुका था उन्हीं के बेटे को टिकट दिया बीजेपी ने, बीजेपी ने सारे धुरंधर अपने उतार दिए थे, योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम थे वहां पे और भी देखिए बड़े बड़े नेता वहां पे मशहूर थे। अब उसको देखा जाए और सपा के देखिए अगर हम चुनाव प्रचार को देखें तो सपा में देखिए पहले ही आजम खान तो देखिए पहले ही जा चुके हैं, अखिलेश यादव उतरे नहीं थे तो 2-4 जो नेता बचे थे उन्होंने ही वहां पर चुनाव प्रचार किया था। अब इन दोनों चुनाव प्रचारों को देखा जाए तो बीजेपी का पलड़ा देखिए साफ साफ भारी दिखता है, क्योंकि पहले से ही बीजेपी की सीट थी और चुनाव प्रचार में खूब दबके करा उन्होंने। जी तो देखिए यहाँ पीयूष मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, आपने कहा कि बीजेपी का पलड़ा है पर भारी नजर आ रहा है, लेकिन देखिए यहाँ लखीमपुर खीरी संसदीय जो सीट है उसके अंतर्गत ये पूरी भोला गोकर्णनाथ सीट आती है जिस पर उपचुनाव होने हैं, पहले खाली हुई थी, उसके बाद अरविंद गिरी से विधायक रहे, आकस्मिक निधन हुआ, उनके बेटे अमन गिरी को उतारा इस सीट से बीजेपी ने। लेकिन सवाल यहाँ ये भी बीच में खड़े हुए पीयूष, जिस पर हमारे दर्शकों को जवाब दीजिएगा कि इस सीट यानी लखीमपुर खीरी जो सीट है उसे जो सांसद है यानी अजय मिश्रा टेनी जो कि मोदी मंत्रिमंडल में एकमात्र ब्राह्मण नेता है और उनको हटाया नहीं गया, काफी सवाल उठे कि उनके बेटे आशीष मिश्रा ने जिस तरीके से किसानों को कुचला था अपनी गाड़ी से, तो उनके मंत्रिमंडल में रहने का क्या फायदा? अब इस पर तो बीजेपी पहले कुछ नहीं बोली, लेकिन यहाँ एक संदेश बीजेपी ने देने की कोशिश की वो ये कि उनको चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतारा,
अजय मिश्रा टेनी का नाम चुनाव प्रचार के जितने भी प्रचारक थे, योगी आदित्यनाथ का नाम था, दोनों डिप्टी सीएम का नाम था, बड़े बड़े नेताओं का नाम था, लेकिन अजय मिश्रा टेनी का नाम नहीं था, जबकि उन्हीं की संसदीय क्षेत्र में सीट आती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी ने यहाँ कहीं ना कहीं अजय मिश्रा टेनी से किनारा कर लिया? क्या संदेश देना चाह रही है बीजेपी से? नहीं देखिए, यहाँ पे अगर देखिए अजय मिश्रा टेनी से अगर बात करूँ तो देखिए ब्राह्मण चेहरा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री है, तो यहाँ पे अगर उनके बेटे ने अगर कुछ कृत्य किया भी है तो देखिए कोर्ट में वो केस चला था, जमानत रद्द की गई थी, दो बार जमानत रद्द हो चुकी है उनकी। तो इस पर देखिए जो विपक्ष है वो तो देखिए हमलावर हुआ ही था, वो तो लास्ट में था देखिए उनका हमलावर होना। साथ ही साथ बीजेपी ने देखिए उनको किनारा तो किया है, सब कह सकते हैं थोड़ा सा किनारा किया है, क्योंकि स्टार प्रचारकों की देखिए लिस्ट अगर बनती है तो हमेशा देखिए उनका नाम तो आता ही, क्योंकि केंद्रीय मंत्री है, ठीक है, ऊपर से ब्राह्मण चेहरा है, इसलिए देखिए जितने भी सीटें हैं उपचुनाव की उसमें उनका नाम आना जरूरी था। लेकिन अब देखिए जो कृत्य हुआ है, देखिए अब वो तो हो चुका है, लेकिन अब बीजेपी अपनी छवि इससे कैसे साफ कर सकती है उस पर देखिए जोर दिया जाता है। क्योंकि हम बार बार देखिए जितने भी हम डिबेट करते हैं उसमें एक चीज हमारी कॉमन रहती है कि बीजेपी की रणनीति पे हम जरूर बात करते हैं, आप भी बात करते हैं, जनता मैं भी बात करता हूँ, कोई भी आप देख लीजिए, न्यूज उठा के देख लीजिए, हम बीजेपी की रणनीति पर बात करते हैं। क्योंकि देखिए उनकी रणनीति ही ऐसी है कि अब देखिए जैसे नोटबंदी हुई थी, आप सभी दर्शकों को पता है कि नोटबंदी में आपके परिवार का एक ना एक सदस्य तो देखिए बैंक की लाइन में जरूर गया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके परिवार में इसको गया ही ना हो। तो उनको भी देखिए कितना कष्ट झेलना पड़ा था। उसके बाद 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, 2019 में बहुमत के साथ सरकार बनी, तो इसलिए देखिए कि इतने कष्ट झेलने के बाद भी देखिए जनता बीजेपी को पसंद कर रही है, ये बड़ी बात है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए उनका किनारे करना या ना करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बीजेपी जीतती है वो इम्पोर्टेंट है। और हर चीज करने के बाद भी, चाहे वह बुरा काम हो चाहे अच्छा काम हो, तब भी देखिए बीजेपी बहुमत के साथ जीत रही है, ये बड़ी बात। जी, तो बीजेपी बहुमत के साथ जीत रही है, ये बड़ी बात है। भोला भूखा नाथ सिंह जिसके लिए ताकत झोंक रहे हैं, बीजेपी भी ताकत झोंक रही है, अखिलेश यादव भी ताकत झोंक रहे हैं, दोनों तरफ से पूरी मशक्कत की गई है। हालांकि चुनाव प्रचार देखिए थम चुका है, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे चुनाव प्रचार की अभी इस वक्त जो बताया जा रहा था कि डोर टू डोर जाकर भी चुनाव प्रचार होगा और उसकी तारीख आज थी, लेकिन वो भी अब समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर समय जो है चुनाव में बहुत कम बचा है, तो अब जो भी रुझान देखने को मिलेंगे, जो भी अंतिम निर्णय आपको देखने को मिलेगा गोला गोकर्णनाथ सीट पर, वो आपको सिर्फ और सिर्फ नतीजों में नजर आ सकता है, जो नतीजे सामने आएंगे 3 तारीख के उपचुनाव के बाद। अब देखना ये होगा दोस्तों कि गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी को चुनती है जनता, क्योंकि अरविंद गिरी के निधन के बाद वहाँ कुछ सहानुभूति वोट बैंक है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है इस सीट को जीतने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा शायद लग रहा होगा कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद सपा का सहानुभूति वोट बैंक ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है यहाँ पर, इन कंपेरिजन टू बीजेपी अरविंद गिरी का जो वोट बैंक है। तो यहाँ देखना यह होगा किसका सहानुभूति वोट बैंक काम कर रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ उतरे भी नहीं है, तो उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो उनको ले डूबेगा या बीजेपी यहाँ पर फिर से जीत दर्ज करेगी गोला गोकर्णनाथ सीट पर, ये देखना होगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।